आप देख रहे हैं हिमालयी टीवी। वास्तव में धन्य है डॉक्टर राव जी बुद्ध को अपने बीच पा करके इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर भगवान शर्मा जी बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं और काफी ऐतिहासिक बातों की चर्चा भी उन्होंने की। अभी टीयू के हिंदी विभाग अध्यक्ष बैठी है बाई तरफ डॉक्टर संजीता वर्मा जी। तो जब जहाँ विद्वान इकट्ठे होते हैं तो ऐसी ही चर्चाएं होती है और पुरानी बातें सामने आती है। और विश्व हिंदी दिवस की बात आज हो रही है तो आप सभी की जानकारी के लिए बताना जरूरी है कि हमारी सभा में दो ऐसे विद्वान बैठे हैं जो भारत सरकार के द्वारा आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलनों में सम्मानित हो चुके हैं और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ डॉक्टर रामदयाल राकेश जी का नाम लेना चाहूंगा। एक बार डॉक्टर रामदयाल राकेश जी के लिए तालियां हो जाए। आप डॉक्टर रामदयाल राकेश जी विश्व हिंदी सम्मेलन में विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। आज की सभा में दो ही विद्वान हैं और दूसरे विद्वान हैं श्री गोपाल ठाकुर जी। एक बार आप भी अपने स्थान पर खड़े होकर दर्शन दें लोगों को। तो ये मुझे भारतीय राजदूतावास की तरफ से सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस बार का जो विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ उसमें हमने डॉक्टर साहब का नाम भेजा था श्री गोपाल ठाकुर जी और वहाँ विद्वत सभा ने चयनित किया। तो ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे इस आयोजन में कम से कम दो ऐसे हिंदी के विद्वान बैठे हैं जो विश्व हिंदी सम्मेलनों के साक्षी रहे हैं और वहाँ सम्मानित हुए हैं। और आज के आयोजक श्री मंगल प्रसाद गुप्त जी का नाम ले तो बात अच्छी रहेगी जिन्होंने हम सबको यहाँ इकट्ठा कर दिया बात करने के लिए। मॉरिशस से कुछ साहित्यकार आए हैं जिनका नाम मैं जानता रहा हूँ। डॉक्टर सरिता बुद्धू जी हैं अध्यक्ष हैं भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन मॉरिशस सरकार। और ये बड़ा अच्छा है कि हमारे जो हाल ही का सम्मेलन है मॉरिशस में हुआ ठाकुर साहब श्री गोपाल ठाकुर जी सरिता बुद्धू जी से मिले भी होंगे। आज दोबारा रीयूनियन हो जाएगा बातें होंगी पुरानी। तो निश्चित तौर पर तीसरी बार जी देखिए यही होता है। हम सोच रहे हैं शायद दूसरी मुलाकात होगी लेकिन श्री गोपाल ठाकुर जी ने स्पष्ट किया कि नहीं हमारी डॉक्टर सरिता बुद्धू जी से तीसरी मुलाकात है। और श्री सुरेश राम मेनन जी आए हुए हैं ओडी अध्यक्ष हिंदी स्पीकिंग यूनियन के हैं। तो इस तरीके से ये हमारी जो आज की विद्वत सभा है उसके बीच में अपनी बातें रखने का अवसर प्राप्त होना बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है। लेकिन बिना और किसी अतिरिक्त भूमिका के मैं चूंकि विश्व हिंदी दिवस पर आयोजन है तो एक छोटा सा कार्यपत्र प्रस्तुत करूंगा। इस बार जो हमारा विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ उसकी छोटी सी एक रिपोर्ट आपके सामने मैं पेश करूंगा और खास करके इसमें हमारे जो मॉरिशस के साथी हैं उनको तो आनंद आएगा ही क्योंकि वो वहां पर मौजूद थे। हमारे श्री गोपाल ठाकुर सर जो वहां पर गए भी थे और हमने भी स्रोतों से सामग्री जुटाई है सरकारी तौर पर। जी दाऊ जी भी थे आप भी थे तो ये बड़ा प्रासंगिक होगा। पेपर मैं बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के एक तैयार किया हुआ पेपर है विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस पर एक रिपोर्ट मैं वही आपके समक्ष पढ़ता हूँ अनुमति दें। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा मॉरिशस सरकार के सहयोग से 18 से 20 अगस्त 2018 को मॉरिशस के विवेकानंद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पाई में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। 18 अगस्त को एक भव्य समारोह में मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री श्री प्रवीण जगन्नाथ द्वारा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। भारत की माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी हम उनका आज पुण्य स्मरण करेंगे वो उस कार्यक्रम में थी अब हमारे बीच में नहीं है। भारत की माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की थी और इस अवसर पर भारत के विदेश राज्य मंत्री श्री वी के सिंह गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू मानव संसाधन राज्य मंत्री श्री एस पी सिंह विदेश राज्य मंत्री श्री एम जे अकबर गोवा के माननीय राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा पश्चिमी बंगाल के माननीय राज्यपाल श्री केसरीनाथ त्रिपाठी तथा मॉरिशस गणराज्य के प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री विदेश मंत्री पूर्व राष्ट्रपति
पूर्व प्रधानमंत्री त्याग भी उपस्थित थे। सर्वप्रथम दोनों देशों का राष्ट्रगान हुआ, तत्पश्चात दीप प्रज्वलन हुआ, उसके समानांतर केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत के अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों द्वारा वेद मंत्र पाठ हुआ। इस अवसर पर महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस द्वारा हिंदी गान की प्रस्तुति भी की गई थी और तत्पश्चात सम्मेलन का लोगो, इस बार का सम्मेलन का लोगो था भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर तथा भारत मॉरिशस का राष्ट्रीय पक्षी डोडो और उस पर एक रोचक एनिमेशन फिल्म भी बनाई गई थी जिसकी प्रस्तुति मॉरिशस में की गई थी। इसके बाद मॉरिशस की शिक्षा और मानव संसाधन तृतीय शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री माननीय श्रीमती लीला देवी दुकान दशमन ने अपने स्वागत भाषण में कहा, अब उनकी बात आप गौर करें उन्होंने क्या कहा, आज जहां हम विश्व के सबसे बड़े सम्मेलन की शुरुआत कर रहे हैं तभी पूरी दुनिया से अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु का शोक मना रही है, उसी बीच ये हादसा ही कहेंगे वाजपेयी जी का निधन हो गया था जिन्होंने पहली बार यूएन में हिंदी भाषण दिया था। जी जी, उनके जाने से भारत में एक मार्गदर्शक और एक हिंदी में सैनिक खो दिया। सबसे पहले आज मैं उनकी आत्मा की शांति के ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और अपनी संवेदना प्रकट करती हूँ, ये मैं कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर वो यहाँ होते तो इस सम्मेलन को देखकर बहुत खुश होते और यही चाहते कि हम जिस उत्साह के साथ इसके आयोजन में लगे थे उसी उत्साह के साथ इसको पूरा करें, इसलिए आज जितने गंभीर भाव के साथ हम श्री वाजपेयी जी को विदा कर रहे हैं उतने ही उत्साह के साथ मैं आप सभी हिंदी प्रेमी विद्वानों लेखकों संस्थाओं का स्वागत करती हूँ। ये कथन था वहाँ से मॉरिशस की जो शिक्षा व मानव संसाधन तृतीय शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री माननीय श्रीमती लीला देवी दुग्गल लक्ष्मण का, ये स्वागत भाषण का प्रत्यय था। अभी वो प्रधानमंत्री हैं। देखिए यही होता है जब विभिन्न देशों के विद्वान इकट्ठे होते हैं, अभी उप प्रधानमंत्री हैं वहाँ जी। अच्छा, तत्पश्चात भारत की तत्कालीन माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने सम्मेलन की प्रस्तावना देते हुए अपने वक्तव्य में क्या कहा था वो मैं आपको थोड़ा संक्षेप में रखना चाहूंगा। सुषमा जी ने कहा कि इस मंच पर खड़े होकर मेरे मन में दो भाव एक साथ उभर रहे हैं, पहला भाव शोक का है क्योंकि सम्मेलन पर अटल जी के निधन की छाया है और दूसरा भाव संतोष का भी है कि सम्मेलन के महान्यास समूचे विश्व के प्रतिनिधि अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए सभागार में उपस्थित हैं। हमने उद्घाटन सत्र के तुरंत बाद अटल जी के श्रद्धांजलि सत्र रखा है जिसमें भारत और मॉरिशस के अलावा अन्य देशों से आए हुए प्रतिनिधियों को श्रद्धांजलि देने का अवसर होगा। अब उन्होंने कहा कि विश्व हिंदी सम्मेलन की यात्रा 43 वर्ष पुरानी है, ये सारी बातें पहले की जा चुकी हैं, एक बार दोहराना समीचीन होगा। 1975 में पहला सम्मेलन भारत में नागपुर में हुआ था, उसके बाद 83 में और 2015 में भी भारत में सम्मेलन हुआ, यानी भारत में कुल 3 सम्मेलन हुए हैं, 75 में, 83 में और 2015 में। इसी तरह मॉरिशस में भी 76 में और 93 में दो सम्मेलन हो चुके हैं और 2018 में तीसरा सम्मेलन मॉरिशस में हो रहा है, ये जो सम्मेलन हुआ उसकी बात कर रही थी वो। बीच के 5 सम्मेलन दो ब्रिटिश देशों टोबैगो और सूरीनाम में और बाकी के 3 सम्मेलन एक अमेरिका में, एक ब्रिटेन में और एक साउथ अफ्रीका में हुए। उन्होंने कहा कि अगर भाषा लुप्त होने लगती है तो संस्कृति भी प्रभावित होती है और मुझे खुशी है कि आज भी ग्रीमिटिया देशों में संस्कृति का गौरव कायम है। इस बार के हमारे 8वें सत्र संस्कृति के निमित्त हैं। पहले सत्र होते थे, चर्चाएं होती थी, अनुशंसाएं होती थी, लेकिन उसके बाद उस पर कोई वर्दी कार्रवाई नहीं होती थी, तो हमने तय किया कि तमाम अनुशंसाओं को मात्र 6 महीने के अंदर संकलित करके हम प्रकाशित करेंगे, क्योंकि मैंने देखा था कि जब 3 वर्ष बाद अगला सम्मेलन आता था तब अनुशंसाएं प्रकाशित होती थी। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जो काम हमें सौंपा गया 75 से 2 अनुशंसाएं हर विश्व हिंदी सम्मेलन लगातार कर रहा था, पहला कि विश्व हिंदी सम्मेलन का अपना भवन होना चाहिए और सुचारू रूप से कार्य करना चाहिए और दूसरा संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को अधिकृत भाषा बनाया जाए। ये 2 सुषमा जी ने चर्चा की कि 2 अनुशंसाएं 75 से हर सम्मेलन में हो रही थी, एक तो विश्व हिंदी सचिवालय का अपना भवन होना चाहिए और सुचारू रूप से कार्य करे वो, दूसरा ये कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को अधिकृत भाषा बनाया जाए। तो सुषमा जी ने आगे सूचित किया कि आज मुझे खुशी है कि आपको यह बताते हुए कि विश्व हिंदी सचिवालय का भवन केवल पूरा ही नहीं हुआ है बल्कि भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने यहाँ आकर स्वयं उसका लोकार्पण किया है और वह बहुत सुचारू रूप से काम कर रहा है क्योंकि स्थायी अधिकारी वहाँ नियुक्त कर दिए गए हैं। और जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को अधिकृत भाषा बनाने का संबंध है, कुछ भाषाएं कुछ बाधाएं उसमें हैं क्योंकि 1/3 बहुमत चाहिए तो वो जुटाना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, 129 देशों का समर्थन चाहिए तो अगर हम 177 देशों का समर्थन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए जुटा सकते हैं तो उससे ज्यादा हिंदी के लिए जुटा सकते हैं, लेकिन कठिनाई केवल यह है कि उस पर आने वाला व्यय उन तमाम देशों को देना होगा जो समर्थन देंगे, यहाँ कठिनाई आ जाती है। यदि संयुक्त राष्ट्र यह नियम बना दे कि जो देश अपनी भाषा को अधिकृत करना चाहता है पूरा व्यय वो वहां करेगा तो हम कल हिंदी को अधिकृत भाषा बनवा लेंगे, ये
सुषमा जी का कथन है जो मुझे वहां पर बताया। मैंने तो संसद में कहा था कि 40 करोड़ नहीं 400 करोड़ खर्च होगा तो हम देने को तैयार हैं हिंदी को, लेकिन भाषा बनाने के लिए ये यूएनओ का नियम है जो देश मिलकर भाषाएं बनवाते हैं अपनी, वो व्यय जो है तमाम देशों को देना होता है इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने उद्घाटन संबोधन दिया तथा एक डाक टिकट और ग्यारहवीं विश्व हिंदी सम्मेलन की स्मारिका तथा कुछ पत्रिकाओं का विमोचन किया। भारत के माननीय विदेश मंत्री श्री वीके सिंह द्वारा आभार ज्ञापन के साथ ये उद्घाटन सत्र का समापन हुआ। हम सभी उद्घाटन सत्र की तरफ से आगे बढ़े। इसके बाद कार्यक्रम में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें विभिन्न देशों के लगभग 25 विद्वानों ने श्री वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी और हिंदी के विकास में संयुक्त राष्ट्र संघ में उनके पहले हिंदी भाषण को याद करते हुए हिंदी कविता में उनके योगदान तथा उनके व्यक्तित्व के विभिन्न रूपों को याद किया। और 3 दिन तक चले इस सम्मेलन में कुछ 8 सत्र हुए। देखिए, ये भी एक संयोग है कि आज का ये सम्मेलन भी हमारा 3 दिन का है, आगे श्री भगवंत साधु जी ने इसकी परिकल्पना इस तरीके से की है, तो ये एक प्रकार से पूरी विश्व हिंदी सम्मेलन ही हो गया है। अच्छा, इसमें विश्व के अलग अलग भागों से आए हिंदी के विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रथम सत्र का विषय था भाषा और लोक संस्कृति का अंतर संबंध। जी, ये देखिए अच्छी बात है कि जो प्रथम सत्र की अध्यक्षता कर रही थी माननीय डॉक्टर सत्या गुरु जी, वो आज हमारे बीच में है। ये सूचना ये अच्छा है कि कार्यपत्र में जो सूचनाएं अधूरी रह गई हैं वो सूचनाएं यहाँ पूरी हो जा रही हैं। तो पहला सत्र का विषय था भाषा और लोक संस्कृति का अंतर संबंध, जिसपे अभी जब आगे चर्चा होगी तो आप प्रकाश डालेंगे, जो कि आपने इस कार्यक्रम के उस सत्र की अध्यक्षता की थी पहले सत्र की। इस सत्र में इस बात पर चर्चा हुई थी कि किस तरह लोक संस्कृति और हिंदी भाषा का संबंध है। चर्चा के दौरान लोक संस्कृति और लोक संस्कार के साथ साथ चलने पर बल दिया गया। इस सत्र में चर्चा के बाद निम्नलिखित अनुशंसाएं हुई, जो अनुशंसाएं हुई है वो जरूर मैं पढ़ना चाहूंगा हम सभी जानकारी के लिए। पहला तो ये हुआ कि एक सांस्कृतिक अवध ग्राम की स्थापना की जाए, क्योंकि रामचरितमानस यहाँ का प्राण है, ये वहां पे मॉरिशस के लिए। और आप सभी की जानकारी के बताए एकमात्र देश मॉरिशस ऐसा है जिसने रामायण एक्ट पास किया है, ये सत्य है ना जी। रामायण का देश कहा जाता है मॉरिशस को, और कहा जाता है कि जो भूतपूर्ववासी लोग गए थे जब वहां तो कुछ नहीं ले जा पाए, तो अपना रामचरितमानस की प्रतियां अपने साथ ले गए थे और उसके मार्फत उन्होंने अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपनी बोली को जीवित रखा। बहरहाल, दूसरी अनुशंसा थी पहले सत्र की कि भारत और प्रवासी देशों को सम्मिलित कर लोक कथाओं तथा लोकगीतों का प्रकाशन किया जाए, ये दूसरी अनुशंसा थी। और तीसरी अनुशंसा थी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में लोक जीवन तथा लोक संस्कृति का समावेश किया जाए। और यह अनुशंसा मैं पढ़ता जा रहा हूँ, लोक जीवन और लोक साहित्य पर शोध परियोजनाओं में रहता है उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। लोक भाषा के लिए कार्यरत संस्थाओं द्वारा लोक साहित्य एवं लोक संगीत लोक जीवन के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कार्य योजनाएं बनाई जाए। इस प्रकार कुल 5 अनुशंसाएं पहले सत्र की थी। अब दूसरे सत्र की बात हम करते हैं। दूसरे सत्र का विषय था प्रौद्योगिकी के माध्यम से हिंदी तथा भारतीय भाषाओं का विकास। अब इस सत्र की अनुशंसाएं इस प्रकार है। पहली अनुशंसा कि हिंदी शिक्षा को समाज के प्रत्येक स्तर पर लागू किया जाए। दूसरी है यूनिकोड स्क्रिप्ट सर्चेबल किया जाए। अभी हम सर्च करते हैं अंग्रेजी में लिख करके गूगल पे और चीजों में, तो ये था कि यूनिकोड जो स्क्रिप्ट हो उसको भी वहां सर्चेबल बनाए। और बैंकिंग सेक्टर में यूनिकोड का प्रचार प्रसार किया जाए। ये सब हिंदी भाषा से जुड़ी हुई अनुशंसाएं हैं। और बीमा और अंग्रेजी में प्राप्त आईटी सॉल्यूशन को हिंदी में किया जाए। सभी निजी एवं सरकारी ऑनलाइन सेवाएं हिंदी में उपलब्ध की जाएं, इसकी अनुशंसा है। और भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार हेतु सभी वेबसाइट द्विभाषी रूप में की जाए, अंग्रेजी और हिंदी। यह भी एक अनुशंसा रही है। भारत में बहुत सारे मंत्रालयों ने इसको लागू भी किया है, जैसे महाराष्ट्र भाषा विभाग है तो उनकी वेबसाइट आप जब खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो खुलती ही हिंदी में है पहले, फिर आपको अंग्रेजी में चाहिए तो फिर अंग्रेजी में खुलती हो। और ये था कि यूनिकोड का मानकीकरण किया जाए, ये थे दूसरे सत्र की अनुशंसा थी। अच्छा, तीसरा सत्र था हिंदी शिक्षा में भारतीय संस्कृति। इस सत्र की अनुशंसाएं मैं पढ़ूंगा, लेकिन संक्षेप में चर्चा कर लें कि भारतीय संस्कृति जो है किसी भी देश की भाषा में उसकी संस्कृति का प्रतिबिंबन होता है, इसलिए भाषा को उसकी संस्कृति से अलग नहीं कर सकते। तो जो तीसरे सत्र का विषय था हिंदी शिक्षा में भारतीय संस्कृति, इस सत्र की अनुशंसाएं इस प्रकार है जो मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहूंगा। पहला तो है कि हिंदी के विदेशी विद्यार्थियों को आरंभ में भारतीय संस्कृति का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए, ये महत्वपूर्ण अनुशंसा है, क्योंकि किसी भी भाषा को आप जब तक नहीं जानते हैं, जब तक संस्कृति को नहीं जानते हैं तब तक केवल भाषा ज्ञान अधूरा है, उस संस्कृति के साथ ही वो समग्रता में आती है बात।
दूसरा है भाषा शिक्षण में गीत नाटक और फिल्मों का उपयोग किया जाए तो सौभाग्य सी बात है। अच्छा तीसरी अनुशंसा है कि अध्यापकों के लिए भाषा शिक्षण की प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। तेरह बच्चों को भी कविताओं के माध्यम से संस्कृत का ज्ञान कराना चाहिए और इस तरह से ये तीसरा सत्र समाप्त हुआ। चतुर्थ सत्र का विषय था हिंदी साहित्य में संस्कृति चिंतन और इस सत्र की जो अनुशंसा है बहुत संक्षिप्त है, मैं पढ़ देता हूँ। पहला तो साहित्य और संस्कृति के संबंध को मजबूत बनाया जाए, नई पीढ़ी को सांस्कृतिक दृष्टि से जागरूक बनाया जाए, ये सब ऐसी चीजें हैं जो हम सभी की चिंताओं में शामिल है। और तीसरी बात थी भारतीय संस्कृति पर हो रहे विपरीत प्रभावों पर रोक लगाने का उपक्रम किया जाए, प्रौद्योगिकी का उपयोग कर संस्कृत की वैज्ञानिक व्याख्या को प्रोत्साहन दिया जाए, इस तरह से चतुर्थ सत्र की चार अनुशंसाएं थी। और पांचवें सत्र का विषय था, मैं केवल थोड़ी थोड़ी अनुशंसाएं ही पढ़ रहा हूँ। पांचवें सत्र का विषय था फिल्मों के माध्यम से भारतीय संस्कृति का संरक्षण। इस सत्र की अनुशंसाएं इस प्रकार है, लेकिन आप नेपाल में भी हिंदी फिल्मों का बड़ा चलन है, यहाँ तो टिकट ही नहीं मिलते हिंदी फिल्मों के, तो हिंदी फिल्मों ने भी जो है भारतीय संस्कृति का और हिंदी भाषा का प्रभाव बढ़ाने में बड़ी भूमिका रखी है, तो वहां पे ध्यान गया। और एक सत्र था फिल्मों के माध्यम से भारतीय संस्कृति का संरक्षण, तो इस सत्र की अनुशंसाएं इस तरह से है कि फिल्मों के माध्यम से संस्कृति के संरक्षण के लिए चर्चा परिचर्चा का आयोजन किया जाना चाहिए। दूसरी बात, दूसरी अनुशंसा ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए फिल्मकारों को फिल्म निर्माण में मदद की जानी चाहिए। सिनेमा में प्रतिपादित सामाजिक सोच का दिशा निर्धारण करने का प्रयास किए जाने चाहिए और वेब सीरीज में आ रही विषय वस्तु पर नियंत्रण रखे जाने की जरूरत है और कलात्मक फिल्मों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए देवनागरी लिपि ही स्वीकार की जाए। हाँ, ये आप सवाल पूछ सकते हैं, आपके मन में ये बात आ सकती है कि ऐसी अनुशंसा करने की जरूरत क्यों पड़ गई कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए देवनागरी लिपि ही स्वीकार की जाए, तो मैं इस अनुशंसा की थोड़ी सी पृष्ठभूमि जरूर बताना चाहूंगा। पिछले दिनों 3 या 4 वर्ष पहले की बात है, भारत में एक अंग्रेजी के लेखक चेतन भगत ने एक विचार फ्लोट किया, एक आइडिया फ्लोट किया कि नई पीढ़ी को चूंकि देवनागरी लिपि में बड़ी तकलीफ होती है उसको मात्राएं लगाने में, बिंदी लगाने में, नुक्ता लगाने में, तो हम ऐसा क्यों न करें जैसे हम मोबाइल में लिखते हैं राम आ रहा है, आर ए एम राम, डबल ए आर ए एच ए एच ए आई, तो ये अंग्रेजी की नई पीढ़ी के एक थोड़ा सा पॉपुलर लेखक ने एक आइडिया फ्लोट किया, जबकि भारतीय संविधान ने तो बहुत पहले तय कर दिया कि भाषा हिंदी होगी लिपि देवनागरी होगी, उस पर कोई विवाद का प्रश्न नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ कुछ विचार ऐसे ही एक साधारण तरीके से बात को रखा गया और वो बात धीरे धीरे इतनी फैल गई कि उस पर सोशल डिस्कोर्स हो गया, उसको एक विमर्श का मुद्दा बन गया हमारे यहाँ हिंदी साहित्यकारों में, इस पर जो था हो गई, दो तरफ हो गए लोग और इस पर बहुत बहसें हुई अखबारों में और हर जगह पे। दो बहसें हमेशा हुई है हिंदी के सरलीकरण को लेकर के, हिंदी के सरलीकरण की बहस बहुत हुई है कि अंग्रेजी के कुछ शब्दों को स्वीकार कर लिया जाए, इस तरह से ये सरलीकरण की बहस, और दूसरी लिपि वाला बहस है। तो इसमें अनुशंसा की हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए देवनागरी लिपि ही स्वीकार की जाए, मैं उस अनुशंसा की पृष्ठभूमि बता रहा हूँ। तो हमारे यहाँ चेतन भगत नाम के एक लेखक ने, अंग्रेजी के नए लेखक ने, ये प्रस्ताव कर दिया कि देवनागरी लिपि की जगह रोमन लिपि में हिंदी को लिखा जाए। इस पर हुआ क्या कि जो हमारे हिंदी के वहां विद्वान थे, उस पर बल्कि जो हमारे यहाँ असगर वजाहत हैं हिंदी के विद्वान, असगर वजाहत साहब भी मैदान में कूद गए, उन्होंने भी उसकी वकालत कर डाली, बड़े बड़े लोग जो हिंदी के प्रोफेसर प्राध्यापक थे कई उसमें खड़े हो गए, फिर उस पर हमारे जो और क्लासिकल लोग थे काफी उस पर विवाद हुआ और ये तय हुआ, बल्कि हमारे मतलब से गोष्ठी में था भी जिसपे चर्चा हो रही थी, तो वहां दिल्ली में लोगों ने एक विद्वान ने तो बहुत ही रुष्ट होकर के बोला कि भाई हुई असगर वजाहत, ये असगर वजाहत है कौन, जब एक बार भारतीय संविधान में तय हो गया कि राष्ट्रभाषा देश की हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, जो चीजें तय हो गई उनसे आगे बढ़ो, उन पे अटकने की जरूरत नहीं, आज 50 साल बाद आप तय कर रहे हैं कि अब देश की लिपि क्या होगी, तो ये जो है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात ये देखिए, आप विद्वान बैठे हैं, आप सभी जानते हैं कि भोजपुरी की एक लिपि होती थी कैथी लिपि होती थी। आप देखिए भोजपुरी आज दिक्कत क्या है, जब लिपि समाप्त होती है तो लिपि के साथ वास्तव में भाषा की जो आइडेंटिटी है, आप तो हमारे बीच में विद्वान गोपाल ठाकुर जी बैठे हैं जो भाषाविद है, लिंग्विस्टिक्स के लिए आदमी है, आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारी आपस में चर्चाएं हुई है इन मुद्दों पर कि जब हम किसी भाषा की बात करते हैं तो लिपि के साथ उसका बड़ा संबंध होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भाषा को एक
काट करके रख दीजिए और मिट्टी को अलग करके रख दीजिए, ये तो फिर माँ बेटे को अलग करने वाली बात हो जाएगी, तो बड़ा ये भावुक दृश्य हो जाएगा। और आप शरीर की जानकारी के लिए बताऊं, जो लोग पुराने लोग हैं जानते हैं कि देवनागरी ये हमारी जो भोजपुरी भाषा है इसकी कैथी लिपि होती थी, बड़ी खूबसूरत लिपि होती थी, मैंने उसको देखा है। आप अभी इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो कैथी लिपि मिलेगी, बहुत खूबसूरत है। लेकिन क्या हुआ, कैथी लिपि अब गोपाल ठाकुर जी प्रकाश डालेंगे, मैं बहुत ज्यादा प्रकाश डालने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि मैं विषय का अधिकारी विद्वान तो नहीं हूँ, हम लोग तो सामान्य जिज्ञासा करते हैं, पाठकों की तरह पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं। तो कैथी लिपि देखिए, जब कैथी लिपि लुप्त हुई, आज कैथी लिपि का प्रचलन बहुत शायद ही कोई करता हो, पुराना विद्वान हो करता होगा, नहीं कह सकता मैं, लेकिन कैथी लिपि नहीं है। तो जब लिपि लुप्त होती है तो भाषा भी लुप्त होती है। इस नाते महत्वपूर्ण सत्र है, ये महत्वपूर्ण अनुशंसा थी कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए देवनागरी लिपि ही स्वीकार की जाए, ये बाकायदा अनुशंसा के रूप में लाना पड़ा हमारे विश्व हिंदी सम्मेलन के। किस सत्र की अनुशंसा है, ये पांचवें सत्र का जो विषय था उसमें अनुशंसा हुई है। बहरहाल इस पर आगे हमारे विद्वान चर्चा करेंगे, मैं जाने समय नहीं लूंगा। छठे सत्र का विषय था संचार माध्यम और भारतीय संस्कृति। तो इस सत्र की अनुशंसा इस प्रकार से थी कि नव माध्यम को सोशल मीडिया के स्थान पर नया हिंदी नाम दिया जाए, अच्छा है। दूसरा, भारतीय जन माध्यमों को विदेशों विशेष रूप से प्रवासी भारतीय बहुल क्षेत्रों के जन माध्यमों से प्रसारण सामग्री की प्राप्ति तथा आदान प्रदान हेतु कार्य योजना तैयार की जाए। अच्छा, एक प्रस्ताव था कि भारत में किसी उपयुक्त स्थान पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी पत्रकारिता केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। श्री वाजपेयी द्वारा समय समय पर पत्रकारिता और पत्रकारों के विषय में व्यक्त विचारों तथा उनके संपादकीय अग्रलेखों का संकलन तथा प्रकाशन किया जाए। आप सभी की जानकारी के लिए बताएं कि हम महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है वर्धा में, वो आज जिस रूप में है वो भी विश्व हिंदी सम्मेलन की अनुशंसा का ही परिणाम है। एक विश्व हिंदी सम्मेलन में अनुशंसा की गई थी और विश्व हिंदी सचिवालय जो मॉरिशस में है, जी जो आपने कराया, उसमें भी हमारे जो विश्व हिंदी सम्मेलन है उसकी अनुशंसा। तो ये अनुशंसाएं बाहरी अनुशंसाएं नहीं है, ये क्रियान्वित होती है, इसलिए इनका बड़ा महत्व है। चौथी अनुशंसा थी छठे सत्र की, भारतीय तथा विदेशी पत्रकारों संपादकों के लिए भारतीय संस्कृति के परिचय और लेखन प्रशिक्षण के सावधिक पीरियडिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाए। मीडिया तथा जनसंचार शिक्षण में भारतीय संस्कृति विषय को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। भारत के संचार माध्यमों यथा समाचार पत्र पत्रिकाओं रेडियो टेलीविजन तथा फिल्मों भी इंडिया के स्थान पर भारत शब्द के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए। ये भी एक देखिए सत्र के अनुशंसा के रूप में आई बात कि इंडिया के स्थान पर भारत को रखें हर जगह। पत्रकारिता एवं संपादन के क्षेत्र में भारत के शीर्ष जननेताओं तथा राजनेताओं के अवदान पर शोध कार्य किए जाए। महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर पत्रकारिता एवं जनसंचार सहित अन्य विषयों के अध्यापकों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के बढ़ते प्रयोग और उपयोग के रूप से प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण ओरिएंटेशन कार्यक्रम चलाए जाए। क्षेत्रीय स्तर पर संस्कृत का मूल्य परक संवर्धन एवं उनके विषय में जागरूकता के लिए सामुदायिक रेडियो के संचार का विस्तार किया जाए। इस हेतु सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। और एक अनुशंसा है, देखिए व्हाट्सएप जैसे नवाचारी डिजिटल प्लेटफॉर्मों का सांस्कृतिक पत्रिका के रूप में उपयोग किया जाए, ये भी एक बात थी। और इस सत्र की 11वीं अनुशंसा थी भारतीय संस्कृति के विविध पक्षों पर आधारित प्रकाशन एवं प्रसारण मीडिया अंतर्वस्तु लेख समाचार फीचर आदि तैयार कर विभिन्न देशों के मीडिया संस्थानों को उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाए। तो इस प्रकार ये 6 सत्रों की अनुशंसाएं मैंने पढ़ी। और 7वें सत्र का विषय था प्रवासी संसार, जो भी हम सबके लिए रोचक विषय है, प्रवासी संसार भाषा और संस्कृति, जिसमें चर्चा हुई कि प्रवासी देशों में भाषा संस्कृति पहचान की सबसे सशक्त माध्यम है, इसमें कोई संदेह नहीं। बड़े यत्न से सहेजी गई विरासत को आगे बढ़ाने के लिए युवा लोगों में भाषा और संस्कृति को अपनाना आवश्यक है, इसके लिए युवा प्रवासी मंचों की स्थापना की जाए। और इस सत्र की अनुशंसाएं इस प्रकार से हैं। ये हम सभी के लिए इंटरेस्टिंग होगा जानना, क्योंकि प्रवासी नेपाल तो ऐसे हम प्रवासी नहीं मानते हैं उस तरीके से, लेकिन फिर भी जो भारत से बाहर हिंदी की बात है तो प्रवासी देश में ही हिंदी की बात है। यह है कि डायस्पोरा देशों में भारतीय भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्राथमिकता के साथ प्रयास किए जाएं। प्रवासी भारतीयों के बीच युवा पीढ़ी की जरूरतों के अनुरूप हिंदी के प्रचार प्रसार की योजना बनाई जाए तथा उन्हें क्रियान्वित किया जाए। हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण में प्रवासी दृष्टिकोण को अपनाया जाए। भारतवंशी छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम विकसित किया जाए। और चूंकि ये सम्मेलन मॉरिशस में हो रहा था तो इसलिए एक यहाँ पे अनुशंसा आई है क्रियोल की, क्रियोल वहां की लैंग्वेज है, तो आप हम मॉरिशस से हैं तो आपको ये ज्यादा अपील करेगा
क्रियोल में सृजित हो रहे साहित्य को हिंदी में अनुवादित किया गया है। ये अनुशंसा चूंकि वहाँ क्रियोल भाषा है मॉरिशस में, तो वहाँ के साहित्य को हिंदी में अनुवादित करने की बात अनुशंसा के रूप में आई। और पांचवी अनुशंसा थी इसकी, भारतीय संस्कृति और भाषा को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए गैर सरकारी प्रमाणित प्रयासों को वित्तीय सहायता दी जाए। प्रवासी भारतीय युवा पीढ़ी को भारत को कर्म भूमि बनाने के लिए प्रेरित तथा प्रोत्साहित किया जाए। और प्रवासी रचनाओं का फ्रांसीसी, डच, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाए। दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में हिंदी शिक्षण में संलग्न लोगों को विभिन्न प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। अच्छा, ये भी एक अनुशंसा है कि दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में शिक्षण हिंदी शिक्षण में संलग्न लोगों को विभिन्न प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। अच्छा, एक अनुशंसा और भी है, शायद आगे कभी लागू हो जाए। विश्व हिंदी सचिवालय की उप शाखाएं प्रशांत, कैरेबियाई एवं यूरोपीय देशों में खोली जाए। हो सकता है कभी आगे ये भी अनुशंसा लागू हो। अभी तो विश्व हिंदी सचिवालय मुख्यालय मॉरिशस में काम कर ही रहा है। और एक अनुशंसा है कि फिजी में हिंदी को राजभाषा का गौरव प्राप्त है, अतः अगला विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया जाए। हाँ, ये मैं बताना भूल गया, अगले विश्व हिंदी सम्मेलन की रूपरेखा तय हो गई है, उसकी तैयारी है कि अगला विश्व हिंदी सम्मेलन, ये तो स्वीकृत भी हो गया, ये अनुशंसा तो स्वीकृत हो चुकी है। तो ये अनुशंसा थी कि फिजी में हिंदी को देखिए इंटरेस्टिंग है, जाना रोचक है कि फिजी में हिंदी को राजभाषा का गौरव प्राप्त है, अतः अगला विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया जाए। तो अभी आप सभी की जानकारी को बताना आवश्यक है कि वाकई अगला विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में ही आयोजित होने की बात स्वीकारी जा चुकी है। और ये सम्मेलन की एक अनुशंसा थी गोस्वामी तुलसीदास के नाम पर सांस्कृतिक ग्राम की स्थापना की जाए। और इस तरीके से हमारे सात सत्र समाप्त हुए, आठवें सत्र पर हम आते हैं। आठवें सत्र का विषय था हिंदी बाल साहित्य और भारतीय संस्कृति। अक्सर जो है बाल साहित्य छूट जाता है, जब पूरे साहित्य का विमर्श होता है तो उसमें बाल साहित्य कहीं कहीं किनारे पड़ जाता है। बाल साहित्य है, प्रवासी साहित्य है, जो साहित्य की तमाम उपधाराएं हैं। तो इस तरह एक सत्र रखा गया हिंदी बाल साहित्य और भारतीय संस्कृति। इस सत्र में चर्चा का केंद्र था कि बालकों में बाल साहित्य के माध्यम से शाश्वत मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। आज का बच्चा परी कथाओं को आज के परिवेश में समझना चाहता है, बच्चों को आज क्या देना है हम सबको समझना होगा। सत्र की अनुशंसाएं इस प्रकार से है, इसमें कुल अनुशंसाएं 10 है, मैं पढ़ देता हूँ, छोटी छोटी अनुशंसाएं। मॉरिशस के बाल साहित्य के प्रकाशन की व्यवस्था की जाए और साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में बाल साहित्य का एक कॉलम अनिवार्य रखा जाना चाहिए। ये बहुत कुछ पत्रिकाओं में रहा भी है भारतवर्ष में। प्रतिवर्ष बाल साहित्य पर अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की जाए। बाल साहित्य का वार्षिक आकलन किया जाए। हिंदी बाल साहित्य का तथ्यात्मक इतिहास लिखा जाए। बाल साहित्य अकादमी की स्थापना की जाए और महिलाओं में अच्छे संस्कार डालने के लिए बाल साहित्य विषय पुस्तकों का सहारा होनी चाहिए। अच्छा, ये है बाल साहित्य में युग धर्म और राष्ट्र धर्म पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए बाल साहित्य विषय ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम एवं रिफ्रेशर पाठ्यक्रम आयोजित किया जाए और विकसित देशों में शिक्षकों का आदान प्रदान किया जाए। ये आठवें सत्र की अनुशंसा थी। सत्रों की अध्यक्षता क्रम से श्रीमती मृदुला सिन्हा जी, माननीय राज्यपाल गोवा व मॉरिशस की डॉक्टर सरिता बुद्धु, श्री किरण रिजिजू, माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार व मॉरिशस के श्री प्रहलाद रामशरण, डॉक्टर लुब्लेश कांति वर्मा। डॉक्टर लुब्लेश कांति वर्मा जी पिछले दिनों काठमांडू में थे, वो आए थे इधर, लेकिन वो उन्हें जाना पड़ा 8 तारीख को, नहीं तो शायद वो हमारे बीच होते आए हैं। मॉरिशस एवं भारत एवं मॉरिशस के डॉक्टर उदय नारायण गंगू, डॉक्टर राज रानी गोविंद, मॉरिशस एवं भारत के डॉक्टर हरीश नवल, श्री किशोर जोशी, भारत एवं मॉरिशस के डॉक्टर शशि दुकान, शक्ति देवटेंकर, मॉरिशस एवं भारत के प्रोफेसर राम मोहन पाठक, डॉक्टर कमलेश्वर गोयनका, भारत एवं मॉरिशस के गुलशन शुक्ला, श्री कृष्ण कुमार अथाना और भारत एवं मॉरिशस के डॉक्टर अलका दलपत जैसे दिग्गजों ने की इन सत्रों में। इन सब इस सम्मेलन में भारत से डॉक्टर जोरम आलिया ताना, श्री कुसुम जोशी, प्रोफेसर सुरेश रिजुपर्ण, प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी, डॉक्टर प्रेमचंद्र त्रिपाठी, श्रीमती रीता शुक्ला, प्रोफेसर जमनलाल गुप्त, श्रीधर पराडकर, तंजन शोभा आओ, सुभाष सिंह कश्यप, डॉक्टर सी भास्कर राव, डॉक्टर के सी अजय कुमार तथा डॉक्टर अजय कुमार पटनायक को मौके पर विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया तथा अपरिहार्य कारणों से समारोह में उपस्थित न हो सकने वाले कुछ लोगों को इन एसेंसिया वहां सम्मान दिया गया। श्री मसूर अहमद मयूर, श्री धर्म प्रोफेसर धर्मपाल सैनी, श्री प्रशिशोर शर्मा,
प्रोफेसर रमेश संसार तथा श्रीमती माती जोशी को बाद में सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया। इस सम्मेलन में विदेशों से प्रोफेसर जावेद खोरो तजाकिस्तान, डॉक्टर राम प्रसाद परसराम त्रिनिदाद एवं टोबैगो, डॉक्टर इनेस फानेल जर्मनी, डॉक्टर अन्ना चेलोकोवा रूस, डॉक्टर गलिया रुसोवा सोकोलोवा बुल्गारिया, डॉक्टर उदय नारायण गंगू मॉरिशस, श्री हनुमान गोविंद गिरधारी मॉरिशस, श्री केशव बधू मॉरिशस, सुश्री कुन गू ली दक्षिण कोरिया, श्री गोपाल ठाकुर नेपाल, अभी आपके समक्ष मैंने परिचय कराया, श्री गोपाल ठाकुर नेपाल, सुश्री सिलेगामा चांद्र मंगोलिया, श्री नेमानी बेनीवालू फिजी, श्री ब्रेसिल नगोडा विधान श्रीलंका तथा श्रीमती सुमिता नारायण न्यूजीलैंड को मौके पर विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया तथा अपरिहार्य कारणों से जो समारोह में उपस्थित नहीं हो सके ऐसे साहित्यकारों में प्रोफेसर आलिसन बूथ संयुक्त राज्य अमेरिका, प्रोफेसर कायो इगो मचिदा जापान से, डॉक्टर रत्नाकर नराडे कनाडा तथा श्री ई मादे धर्मे से इंडोनेशिया को बाद में सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया। हिंदी सेवी संस्थाओं की श्रेणी में भारत से सी वे पुणे को सम्मानित किया गया, जबकि विदेशों से टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज, हिंदी पिछाड़ी सभा मॉरिशस तथा आय सभा मॉरिशस को सम्मानित किया गया। हिंदी सेवी सम्मान तो है, हिंदी सेवी संस्थाओं की एक अलग कैटेगरी है उसमें। अच्छा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा भारत के प्रतिनिधि के समारोह अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं होने के कारण इस संस्था को बाद में सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया। ये वही दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा है जिसकी स्थापना गांधी जी ने की है और ये वो काम कर रही है भारत में, दक्षिण भारत में। तो सम्मानित साथियों, अब आखिरी पैरा है जो मैं पढ़ देता हूँ, काफी देर से आपने धैर्य रखा है, बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का समापन 20 अगस्त 2018 को अभिमन्यु अनंत सभागार में हुआ। ये सभागार भी देखिए मॉरिशस के साहित्यकार के नाम पे है, अभिमन्यु अनंत जी। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का समापन 20 अगस्त 2018 को अभिमन्यु अनंत सभागार में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस गणराज के माननीय कार्यवाहक राष्ट्रपति महामहिम श्री परम शिवम पिल्ले वायापुर उपस्थित थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में हिंदी की वैश्विक लोकप्रियता के आधार पर हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की 7वीं आधिकारिक भाषा बनाने की मांग की। इस प्रकार कुल मिलाकर यह सम्मेलन विचार मंथन से परिपूर्ण और बहुत ही सार्थक रहा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।